तो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा जिम्मेवारी वाला ब्लॉग होने वाला है भाई। तो आज अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल बाबू का जन्म प्रमाण पत्र जो है उसको कलेक्ट करने के लिए। हालांकि पहले भी गया हुआ हूँ, पहले वाला ब्लॉग में भी बताया था कि सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं, पर उस टाइम पे सर्टिफिकेट ले नहीं पाए थे क्योंकि हॉस्पिटल से तो कॉल आया था पर गए थे पर पोपट हो गया था। आज फिर से कॉल आया, बोला आओ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो। तो ठीक है गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए, देखते हैं आज भी मिलता है या फिर आज भी पोपट होगा। तो फिलहाल अभी हम हैं हम लोग का जो यहाँ गांव का नदी है, सामने में मेरा दुकान और इधर हम लोग का जो खेती वगैरह करते हैं, इधर सब्जी वगैरह लगाए हुए हैं हम लोग का। इधर ये देख सकते हो गाइस, देख सकते हो इधर हम लोग आलू लगाए हुए हैं पूरा अच्छी तरह से, यहाँ से पूरा वहाँ तक पूरा आलू है, एक दो और इधर भी थोड़ा सा है। बाकी इधर आप लोग देख सकते हो धनिया पत्ता वगैरह, एक दो तीन, बाकी पालक वगैरह है। उधर लास्ट में है आपका पत्ता गोभी, इधर है टमेटो और ये आपका फूल गोभी वगैरह है। तो गाइस बिना कुछ देरी किए चलते हैं सीधे हॉस्पिटल, बाबू का सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे और वहां से निकलेंगे, कुछ सामान लेंगे। तो गाइस आप लोग से सीधे मिलते हैं हॉस्पिटल में। इधर मेरा कल्लो रेडी है तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। फाइनली फ्रेंड हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, चलते हैं अंदर और जाके देखते हैं क्या हाल है, सर्टिफिकेट कितना लेट में मिलता है। देख सकते हो गाइस हॉस्पिटल जिसमें मेरी बाबू पैदा हुई थी। फाइनली गाइस बाबू का जन्म प्रमाण पत्र मिल चुका है और हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली गाइस जन्म प्रमाण पत्र मिल गया, तो इसको अब नेविनेशन कराने का बारी है। नेविनेशन सोच रहे करा ही दें, सेफ्टी रहेगा, तो अभी जा रहे हैं नेविनेशन कराने। और इसमें एक फॉल्ट नज़र आ रहा है, मेरा बाबू का जो नाम है श्री महतो, तो देख रहे हो आप लोग SHRII देने के जगह पे आपका SRI कर दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे SRI। तो गाइस इसको सुधार कैसे किया जाएगा, अगर आप लोग में से किसी को भी पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। फाइनली इधर पेपर नॉमिनेशन होने के लिए जा रहा है। फाइनली गाइस इधर नॉमिनेशन हो गया है पेपर पे, पर हमको नाम का बड़ी ख़राब लग रहा है यार, इसका लाइफ टाइम का बाबू का नाम रह जाएगा, चेंज होगा कि नहीं यार टेंशन हो रहा है। नाम श्री महतो की जगह पे SRI कर दिया है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। देखिए गाइस अगर आप लोग को किसी को पता है, इसका नॉलेज हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो गाइस देखते हैं एक बार हॉस्पिटल में बात करके क्या बोल रहा है, कुछ उपाय होगा कि नहीं नाम सही होने का, देख रहे हैं नहीं तो अब क्या करें, अब परेशान हो गए यार। तो गाइज यार बात किए हॉस्पिटल में, पर बोल क्या रहा है पता है क्या, वो हम लोग का जिम्मेवारी नहीं है, ठीक तो है SRI। यार गजब बात है यार, हम खुद नाम लिख के दिए थे SHRII, फिर भी फॉर्म में नाम लिख के दिए थे यार कि श्री महतो डालना, उसके जगह पे गलत कर दिया यार, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। एक तो 500 रुपया पैसा लिया, वो अलग ऊपर से नाम भी गलत कर दिया, इससे अच्छा तो हम खुद बना लेते यार, पागल बना रहा है इन लोग। एक तो हॉस्पिटल में यार हमेशा लेट करता था, अब सर्टिफिकेट का जब बारी आया तब खराब कर दिया। खैर जो हुआ हुआ, देखते हैं अब आगे क्या होता है, अब घर में भी मिलेगा अलग से जाके देखो, अब घर में डांट खाएंगे। पूरा मूड ऑफ हो गया है यार, पूरा मतलब पूरा जिसको बोलते हैं ना, बहुत मूड ऑफ हो गया यार। दो अक्षर का फर्क है, सिर्फ दो अक्षर का, और उसी दो अक्षर में उसका पूरा लाइफ है। आप लोग सोच रहे हैं इतना ओवर क्यों कर रहा है, यार ओवर नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं समझ में आता है, जिसको गलत हो जाता है ना वो बाद में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है यार, लाइफ टाइम का सवाल है। एक नाम मतलब समझ रहे हो, एक इंसान का नाम ही है जो सबसे बड़ा होता है। लिखल सब सही रहे वाले, नाम गलत कर दिया को ठीक तो आओ नाम था टाइम चलिए SRI टाइम यार को हमें कोई सब कुछ हो कर तो इन तो कहो सको जिंदगी भर एक बात लगे है बाबा ले बाबा किल तो नाम भी गलत कर दिले बाबू, तेरा नाम गलत कर दिए, बड़ा होके मत बोलना कि नाम खराब कर दिया।
तेरा नाम तो ऐसा आ रहा ही हो गया, गलत हो गया। गलत नहीं है, स्पेलिंग हम लोग जो चाहते थे वो नहीं हुआ। ओ पुछो पुछो बड़ा है बेटा, कन्ने निग नाम खराब हो गई थी। खेल के दिखा देना सबको, खेल खेलो खेलो करके सब दिखा दे। तो मैं खेल चुका हूं। वो इधर देख रहे हो, इसका रखवाला ये है, मेरी मम्मी है। इसका रखवाला, अरे दोनों खेलती है खाली अफसोस होके। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उधर से आके सीधे गए दुकान, दुकान से आए रात में और आके सो गए थे भाई, तो सुबह को ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था, पर प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग को किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।